हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आइए आज एक और नई रेसिपी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने कुछ लौकी है जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। तो आज हम इसका बनाने वाले हैं लौकी का पराठा। ये बहुत ही क्विक रेसिपी है, आप ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच किसी में भी इसे बना सकते हैं। और इसे ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट लगता है सिर्फ बनाने के लिए, और ये बहुत ही हेल्दी भी होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे रफली चॉप किया है। तो आप यूजुअली जब हम लौकी का पराठा बनाते हैं तो हम इसे ग्रेट कर लेते हैं, पर हम यहाँ पे क्योंकि इसे क्विकली कर रहे हैं तो एक नया तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे बहुत ही क्विकली लौकी का पराठा बना सकते हैं। तो आप इसको रफली चॉप करके इसे ग्राइंड में मिक्सी में उसे पीस लेंगे। तो हल्का सा आपने रफली चॉप करना है सबको और फिर इसे हम पीस लेंगे। ये मैंने डाल लिया है इसमें। मैंने करीबन आधी लौकी ली थी। आधी लौकी में आप तीन से चार लोगों के लिए पराठा बना सकते हैं। अगर आप ज्यादा लोगों के लिए बनाना चाहते हैं तो आप पूरी लौकी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लौकी के बाद हमें थोड़ा सा धनिया लेना है, हमें वो इसमें डाल लेना है। थोड़ी सी कड़ी पत्ते, करीबन 7 से 8 करी पत्ते डालेंगे। 4 से 5 मिर्ची और 4 से 5 लहसुन की कलियां। अब इन सब चीजों को हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये ग्राइंड हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ज्यादा फाइन पेस्ट इसका नहीं बनाया है, आपको इसे रफली ही ग्राइंड करना है। तो ये रेडी है। सो लाइक यू कैन सी, मैंने 2 कप आटा लिया है। तो अब जो मिक्सचर हमने रेडी किया है वो हम इसमें डालेंगे। आपको मेक श्योर करना है कि आप इसमें पानी यूज ना करें आपने जो पेस्ट बनाया है, क्योंकि उसी से आपका जो आटा है वो गुद जाएगा। आप अच्छी तरह से उसको इस तरह से मिला के आप इसी से आपका आटा लगा सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड इफ यू फील कि आपको ज्यादा मतलब पानी की जरूरत पड़ रही है तो ही आप यूज करें, अदरवाइज आपका जो आटा है वो गीला हो सकता है। अब हम थोड़ा इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक ऑलरेडी पानी छोड़ता है, जब आप नमक डालते हैं लौकी में तो लौकी में जो पानी होता है वो अपने आप बाहर निकलता है, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद में नमक के बाद हम थोड़े से मसाले डालेंगे। ये थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट है जो आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी 1 चम्मच, धनिया 1 चम्मच और 1 चम्मच छोटा चम्मच गरम मसाला। अब इन सबको हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे। सो लाइक यू कैन सी मेरा जो आटा है वो रेडी हो चुका है, ये काफी सॉफ्ट है। तो एक छोटा सा पोर्शन अब हम इसमें से लेंगे पराठा बनाने के लिए, इतना सा। आप अपने हिसाब से जितना भी चाहे वैसा ले सकते हैं, उतना पोर्शन ले सकते हैं। और अब हम इसका पराठा दे लेंगे। तो हमने हमारा पराठा जो है उसे बेल लिया है। मीनवाइल मैंने तवा जो है गरम होने के लिए चढ़ा दिया था, तो वो अब गरम हो चुका है। तो अब हम अपने पराठे को उस पर डालेंगे और ऑयल से आपको इसे थोड़ा सा ग्रीस करना है। ज्यादा ऑयल आपको यूज नहीं करना है, थोड़ा सा इनफ रहेगा। अब हम इसको फ्लिप करेंगे जिस तरह से, और फिर से हम इसको जो ऑयल है दूसरे साइड को भी अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। आपको दोनों ही साइड्स को बहुत ही अच्छी तरह से पकाना है। सो लाइक यू कैन सी हमारे दोनों ही साइड बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं। तो अब ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। आप पराठे को चटनी के साथ खा सकते हैं, सॉस के साथ में खा सकते हैं, और अगर आपके पास ये दोनों चीजें नहीं है तो फिर आप दही के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं, वो उतना ही डिलीशियस लगेगा और टेस्टी लगेगा। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और ऐसी और यूनिक और क्विक रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा।
तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.